अलैकुम। आज हम बहुत ही मजे के बड़े पाए का सालन बनाने वाले हैं। बड़े पाए का सालन बहुत ही मजेदार बनता है, तो इसके लिए ये मैंने तकरीबन मेरे पास 2.5 किलो के करीब बड़े पाए है मेरे पास। ये मैंने लिए 3 मीडियम साइज की प्याज थी, जिनका मैंने पेस्ट बना के रख लिया हुआ है। 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा मैं इसमें ऑयल का यूज करूंगी। 200 ग्राम मेरे पास दही है। स्पाइसेस दिखाती हूँ आपको। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश पिसा हुआ है मेरे पास। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालूंगी। स्पाइसेस में मैं यहाँ यूज़ करूंगी 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है पिपरी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है मेरे पास और 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च का पाउडर है। कुछ खड़े मसालों का यूज़ करेंगे, वो भी दिखाती हूँ। खड़े मसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास 4 लौंग हैं, 3 छोटी इलायची हैं, 3 ये टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं, 2 मोटी इलायची हैं मेरे पास, 1.5 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है धनिया और 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा साबुत, 1/2 टीस्पून मैं कलौंजी का यूज़ करूँगी इसमें और 1/2 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है। इन सब को मिक्स करके मैं इनका भी मसाला रेडी कर लूँगी और फिर दिखाती हूँ आपको। मसाले को मैंने पीस लिया, ये देखिए। तो इसे मैं दही में ऐड कर दूँगी सारे मसाले को, और जो मेरे पास स्पाइसेस थे इनको भी मैं दही में ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। एक पतीली ली है मैंने, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। आप पाए के सालन को कुकर में भी रेडी कर सकते हैं। मेरे पास कुकर छोटा था तो मैं इसलिए पतीले में रेडी करने लगी हूँ। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें प्याज का पेस्ट डाल दूँगी। 3 मिनट मैंने प्याज के पेस्ट को फ्राई किया है, तो यहाँ मैं इसमें हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। इनको भी 2 से 3 मिनट मैं इसके साथ मज़ीद फ्राई करूँगी। पाए डालने से पहले पतीले में एक बात बता दूँ, मैंने इनको 5 से 7 मिनट उबलते हुए पानी में इस तरह से इन्हें डिप करके रखा हुआ था। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और थोड़ा सा सिरका तकरीबन 1/4 कप, ताकि पाए की जो स्मेल होती है वो इसमें से अच्छी तरह निकल जाए। और ये देखिए किस तरह हमारे बिल्कुल साफ पाए हैं। ये अमल ज़रूर कीजिए और इसके बाद इनको पकाइए। 3 मिनट के बाद ये देखिए अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें भी डाल दिया। अच्छी तरह से मैं इसे भी 4 से 5 मिनट इस तरह चला रही हूँ। 4 से 5 मिनट मैंने इनको प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। ये देखिए सारा पाए के ऊपर ये कोट हो चुका है। तो यहाँ मैं ये दही में मिक्स किया हुआ मसाला ये डाल दूँगी। इसी प्याले को साफ करते हुए ये मैं पानी थोड़ा सा ये भी डाल दूँगी इसमें। अच्छी तरह से फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद इसे भून लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए थे मुझे इसी तरह इसे भूनते हुए, और बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भून चुका है और एक सेपरेट हो गया। जो पानी भी मैंने ऐड किया था वो भी खुश्क हो चुका है, तो मैंने हड्डियों को इसमें से निकाल लिया था, दोबारा से इसमें डालने लगी क्योंकि भूनते हुए मुझे वो प्रॉब्लम कर रही थी। तो ये मैं अब इसे दोबारा से ऐड कर दूँगी। एक दफ़ा इसे चला लेंगे। पानी ऐड करने लगी, तकरीबन मैं इसमें 2.5 लीटर पानी ऐड करूंगी। उबाल आने देंगे इसे फुल फ्लेम पे। इसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए मैं इसे पकने दूंगी, जब तक कि हमारी पाई अच्छी तरह से गल न जाए। लीजिए 5 से 6 घंटे हो गए थे मुझे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाते हुए। तो ये देखिए पाए का सालन हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये इतना गला हुआ सालन है हमारा कि आप चम्मच के साथ भी इसे इस तरह से कट करेंगे तो ये देखिए ये कट हो रहा है। बहुत नरम हो चुके हैं पाए। इसमें मैंने 1 जग पानी का और ऐड किया था। इसे आप रात को पकने के लिए रखें, सुबह तक ये आपको तैयार मिलेंगे, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाइए। तो इन सर्दियों में इस रेसिपी को आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो मैं डिश आउट करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। देखिए सालन को मैंने डिश आउट कर लिया है, तो गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया था, तो मैं इस तरह से ऊपर से डाल के फिर इसे सर्व करूँगी। आप भी जब सालन सर्व करें तो गरम मसाला ऊपर से इस तरह डालिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बीफ पाया की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।